डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। आज जेई मेन 2019 और 20 में पूछे गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। आज हम लोग पी ब्लॉक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 के दोनों टर्म में और 2020 के फर्स्ट टर्म जेई मेन में, ठीक है। तो ये टोटल 3 एग्जामिनेशन हो गए, तीनों में कई पेपर्स हुए हैं। इन सारे पेपर्स में पी ब्लॉक से जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसी संदर्भ में देखें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है पी ब्लॉक का। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग A to D रिगार्डिंग सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स आप जानते हो, सिलिकॉन्स ऑर्गेनोपॉलीमर्स होते हैं, है ना। और इसके रिगार्ड में 4 स्टेटमेंट है A to D, आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये सिलिकॉन पी ब्लॉक का चैप्टर है, पी ब्लॉक में ग्रुप 14 में सिलिकॉन के कंपाउंड्स में अपने को मेन दो तरह का कंपाउंड पढ़ना होता है, सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स। तो सिलिकॉन से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, दे आर पॉलीमर्स विथ हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। बिल्कुल, है ना, ये ऑर्गेनोपॉलीमर्स हैं और इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होने की वजह से, है ना, ये हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर का होता है, तो ए करेक्ट है। बी, दे आर बायो कंपैटिबल। हाँ, ये बायो कंपैटिबल है। बायो कंपैटिबल का मतलब होता है यदि इसको अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसके प्रति रिएक्शन शो नहीं करता है, इसके प्रति अपना डिफेंस मैकेनिज्म शो नहीं करता है, साइलेंट होता है इम्यून सिस्टम इसके प्रति। ऐसे सब्सटेंस को बायो कंपैटिबल सब्सटेंस कहते हैं। और बायो कंपैटिबल होने की वजह से ही सिलिकॉन का जो यूज है वह सर्जिकल इम्प्लांट के रूप में किया जाता है। दे आर बायो कंपैटिबल। इन जनरल दे हैव हाई थर्मल स्टेबिलिटी एंड लो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये भी सही है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होता है इसलिए इसका इस्तेमाल थर्मल इंसुलेटर के रूप में भी किया जाता है। डी है, यूजुअली दे आर रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन एंड यूज्ड एज ग्रीस। हाँ, केमिकली ये ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल ग्रीस के रूप में भी किया जाता है। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, A, B, C and D। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, चारों ही स्टेटमेंट A to D करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंट्रास्ट टू थैलियम विच एग्जिस्ट इन +1 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज ड्यू टू। बोरोन फैमिली में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे के दो मेंबर में, है ना, ये डोमिनेट करता है और थैलियम में बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट करता है, इसलिए थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है +3 के कंपेरिजन में, ठीक ना। जबकि शुरू के टॉप एलिमेंट्स में बोरोन में या एल्यूमिनियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता, इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से थैलियम, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3, सो +3 तो इन जनरल है ही, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से +1 भी शो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2 इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ। H3PO2 में दो pH बॉन्ड की वजह से H3PO2 बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H3PO2 का आप स्ट्रक्चर देखते हो, है ना, ये जो दो pH बॉन्ड है, ये pH बॉन्ड और ये pH बॉन्ड, इन दोनों pH बॉन्ड की वजह से H3PO2 एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ड्यू टू टू pH बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट जेनन इन XeOF4। XeOF4 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर लें। XeOF4 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, 4 फ्लोरीन, चारों फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे। आप जानते हो जेनन के पास 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में आप यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन का 6 बॉन्ड फॉर्मेशन में इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड है, यानी एक लोन पेयर है, ठीक है।
अब आप यहाँ देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड दो हो गए 5 और एक लोन पेयर आ गया, आपसे क्या पूछ रहा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में 5, 1, 6 हो गया स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2 है ना, और लोन पेयर हो गया 1, तो sp3d2 एंड लोन पेयर 1, ये चौथे ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेयर दैट कंटेन्स 2 पीएच बॉन्ड्स इन ईच ऑफ द ऑक्सी एसिड H4P2O5, इसमें हो जाएगा बट H4P2O6 में नहीं है, H3PO3 में एक ही पीएच बॉन्ड है, H3PO2 में दो है तो सेकंड भी नहीं होगा, H4P2O5 दो पीएच बॉन्ड है, H3PO3 इसमें एक ही पीएच बॉन्ड है, H3PO2 दो पीएच बॉन्ड, H4P2O5 दो पीएच बॉन्ड, फोर्थ हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं, H3PO2 का आप स्ट्रक्चर देखो, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर है, दो पीएच बॉन्ड प्रेजेंट है, H4P2O5 का स्ट्रक्चर देखें, H4P2O5 एक दो तीन चार पांच ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4 है, H4P2O5 का यह स्ट्रक्चर हो गया। यहां देखें एक पीएच बॉन्ड, दूसरा पीएच बॉन्ड, तो दो पीएच बॉन्ड इसमें भी है, दो पीएच बॉन्ड इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2H6 रेस्पेक्टिवली आर। B2H6 का स्ट्रक्चर देख लो, B2H6 का ये स्ट्रक्चर है, ये जो दो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जो ब्रिज बॉन्ड है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, टर्मिनल बीएच बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूक्लियस 2 सेंटर, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पहले कह रहा है, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4 हो गए, एंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दोनों ब्रिजिंग बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, तो 4 एंड 2 ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ हैलोजन्स द वन दैट रिक्वायर्स ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की जरूरत किस में पड़ेगी, हाइड्रोजन का रिएक्शन है हैलोजन के साथ, ये चार ऑप्शन है H2F2H2Cl2H2Br2 एंड H2I2। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन हैलोजन के साथ आप देखोगे तो टॉप टू बॉटम हैलोजन में आएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी इनकी घटती चली जाती है, फ्लोरीन इवन डार्क में भी रिएक्शन कर लेता है और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है, यहाँ कोई कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेता है और यहाँ भी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, अब ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाओगे तो ये कंपैरेटिवली स्लो होता है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा वार्म करने की जरूरत होती है, ठीक है, बट हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन इन सारे रिएक्शन में स्लोएस्ट है और इसको थोड़ा ज़्यादा गर्म करने की जरूरत पड़ती है और कैटलिस्ट इसलिए यहाँ चाहिए होता है इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का रिएक्शन इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, है ना, ये फर्स्ट ही हो जाएगा, CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो H2O में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अटैक कहां करेगा, ठीक है, अटैक करने के लिए जगह
नहीं है, इसलिए CCl4 की हाइड्रोलिसिस है ना नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर पर होती है, जब CCl बॉन्ड का क्लीवेज करवा देते हैं, ठीक है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो वेरी स्ट्रेस्ड कंडीशन में CCl4 हाइड्रोलाइज होता है, बट नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। जबकि बाकी इसके जितने भी क्लोराइड हैं इस फैमिली के, कार्बन के नीचे आ जाओ, सिलिकन SiCl4, जर्मेनियम JaCl4, टिन SnCl4, लेड का PbCl4, ये नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट, इनके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट फॉलोज द ऑर्डर। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 13 में इनर्ट पेरिफेक्ट की वजह से होता है, और इनर्ट पेरिफेक्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता चला जाता है, इसलिए +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती चली जाती है। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर कर दें, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑप्शन में चुन लें एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, इंडियम। नहीं, थैलियम में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। टॉप टू बॉटम एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनर्ट पेरिफेक्ट बढ़ता जाएगा, इसलिए +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3 टू यील्ड Y अलोंग विथ अदर प्रोडक्ट। हाँ, आयोडीन का रिएक्शन HNO3 के साथ करवाओगे, HIO3 प्लस NO2 का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन। तो चूंकि HIO3 में ऑक्सीडाइज करेगा आयोडीन को HNO3, और HIO3 में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, Y में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या है +5, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटनेशन, है ना, ये चारों ही एलिमेंट ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम कैटनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज करता चला जाता है। कार्बन में बहुत ज्यादा कैटनेशन होता है ना, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कैटनेशन घटता चला जाता है, और लेड में कैटनेशन नहीं होता है, डज नॉट शो कैटनेशन, तो लेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, हैलोजन का NaOH के साथ रिएक्शन है, हैलोजन में क्लोरीन लिया है और NaOH में कंडीशन क्या कर दिया है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH Cl2 को डिस्प्रोपोर्शनेट करता है क्लोराइड में और क्लोरेट में +H2। आपसे पूछ गया रहा है, क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स क्लोराइड Cl- और ये सोडियम क्लोरेट है ClO3-, Cl- एंड ClO3-, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, डाइबोरन रिएक्ट्स इंडिपेंडेंटली विथ O2 एंड H2O2 प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। डाइबोरन का रिएक्शन O2 के साथ करवाओगे, डाइबोरन फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और डाइबोरन ऑक्सीजन के साथ कम्बसन होगा, तो ये बोरिक ऑक्साइड B2O3 और साथ ही साथ H2O देगा, B2H6 प्लस O2 B2O3 प्लस H2O, बैलेंस कर लोगे। नेक्स्ट है, तो यहां से ये B2O3 मिल गया डाइबोरेन का H2O के साथ, तो डाइबोरेन की हाइड्रोलिसिस होगी H2O के साथ रिएक्शन, यानी हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बोरिक एसिड H3BO3 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, तो आप चुन लें B2O3 एंड H3BO3, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन है ही, HBO2 ना, H3BO3 एंड B2O3 पहला रिएक्शन है O2 के साथ, तो O2 के साथ तो B2O3 देगा, तो पहले B2O3 आएगा, सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, है ना, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है कार्बन 60 एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेंट्स। कार्बन 60 ये एक तरह का फुलेरीन है, इसका नाम है बकमिंस्टर फुलेरीन या बकी बॉल भी कहते हैं। इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग पूछा है, इसमें 20 हेक्सागोनल रिंग और 5 पेंटागोनल रिंग होते हैं। 20 हेक्सागोनल रिंग और 12 पेंटागोनल रिंग होता है, 12 पेंटागोनल रिंग और 20 हेक्सागोनल रिंग, तो 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स, है ना। 20 हेक्सागोनल रिंग में आप देखोगे हर एक हेक्सागन में 6 कॉर्नर होता है, हर एक कॉर्नर है ना 3 रिंग का कॉमन कॉर्नर होता है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग ये कार्बन एटम 60 आ गया। और 12 पेंटागोनल रिंग है, पेंटागोनल रिंग हर एक रिंग में 5 कॉर्नर और हर एक कॉर्नर 3 रिंग का कॉमन कॉर्नर, तो एक में कंट्रीब्यूशन 1/3, तो 3 × 12 5 × 20 40 × 20 60 कार्बन एटम इस तरीके से आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO, N2O, NO2 एंड N2O3। वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट NO में +2 है नाइट्रोजन का, N2O में +1 है, NO2 में +4 है और N2O3 में +3 है, तो अकॉर्डिंगली अरेंज कर दो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो N2O में सबसे कम है, इससे ज़्यादा NO में, इससे ज़्यादा N2O3 में है और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का NO2 में। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ, N2O देन NO देन N2O3 देन NO2, ऑप्शन नंबर 4 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग फर्स्ट टू थर्ड रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑक्साइड। ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड के बारे में आपसे पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट फर्स्ट टू थर्ड, इन तीनों स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछ रहा है। ग्रुप थर्ड यानी बोरोन फैमिली, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। पहला है बोरोन ट्राईऑक्साइड इज एसिडिक, बोरोन ट्राईऑक्साइड इज एसिडिक, बिल्कुल बोरोन का जो ऑक्साइड है B2O3 ये एसिडिक होता है, सही है ना, क्योंकि इसका जो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है वो ऑर्थोबोरिक एसिड है, ठीक है, बोरोन ऑक्साइड एसिडिक। ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, ये भी सही है, Al2O3 एंड Ga2O3 आर एम्फोटेरिक। और थर्ड ऑप्शन है ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक, ये भी सही है, तीनों ही ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट, द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, सिलिका का एमॉर्फस फॉर्म आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो ये क्रिस्टोबेलाइट, ये तो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ट्राइडीमाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्वाज भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, किसलगर ये एमॉर्फस फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द सिनोनिम ऑफ वाटर गैस व्हेन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल इज, है ना, तो जब मिथेनॉल के रूप में, मिथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में जब वाटर गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको सिंथेसिस गैस कहते हैं या सिंग गैस कहते हैं शॉर्ट में, तो फोर्थ हो जाएगा सिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है था ये, क्वेश्चन नंबर 19 देखें। द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग ए टू डी, ये चार स्टेटमेंट है ए टू डी, इसमें आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है। स्टेटमेंट ए है सेलाइन हाइड्राइड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विथ H2O, बिल्कुल सेलाइन हाइड्राइड है ना, ये सेलाइन हाइड्राइड जैसे मान लो NaH है,
सलाइन हाइड्राइड मतलब आयनिक हाइड्राइड, जहां हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्डेड होता है, मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाइड्रोजन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ हाइड्रोजन माइनस वन में है ना, तो यहाँ हाइड्राइड एच माइनस ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोलाइज होता है एच प्लस ओ एच माइनस, तो ये हाइड्रोजन गैस बना देता है और रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन आ जाता है, इसलिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, सलाइन हाइड्राइड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद H2O, सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी है, रिएक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद BF3 लीड्स टू B2H6। बिल्कुल, ये B2H6 के प्रिपरेशन का मेथड है ना, B2H6 का रिएक्शन, B2H6 का प्रिपरेशन किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के एक्शन के द्वारा ऑन बोरोन ट्राइफ्लोराइड या बोरोन ट्राइक्लोराइड, जैसे BF3 प्लस LiAlH4 प्रोडक्ट बन जाएगा B2H6 प्लस LiF प्लस AlF3। बैलेंस करना चाहें 2BF3 कर दो, और 2BF3 करोगे तो ये नहीं, थोड़ा चेंज कर लें कॉफिशियंट में, हाइड्रोजन 4 है यहाँ, हाइड्रोजन 6 है, इसको 2 कर दो और इसको 3 कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ये 4 बोरोन हो गया, ये BF3 था तो 4BF3 कर दो। ओके, तो ये लिथियम 3 हो गया, 3LiF कर दो, एल्युमिनियम भी 3, 3LF3 कर दो, फ्लोरीन काउंट कर लो, 3 × 3 = 9, 3 = 12, फ्लोरीन 4 × 3 = 12। ठीक है, बैलेंस है ये, तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट। नेक्स्ट सी करा है, PS3 एंड CH4 आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। बिल्कुल, PS3 इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है, PS3 में है ना, आप देखो फास्फोरस के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाया है 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हो गया। CH4 कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, चारों ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है, सही है, तो सी भी सही है। डी, HF एंड CH4 आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। बिल्कुल, HF एंड CH4 मॉलिक्यूलर हाइड्राइड हैं, क्योंकि इनके बीच कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द नोबल गैस दैट डज नॉट अकर इन द एटमॉस्फेयर। रेडॉन को छोड़कर के बाकी सारे नोबल गैस एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, रेडॉन का फॉर्मेशन रेडियम के न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन से होता है, ये रेडॉन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ पेंटागन इन C60। तो C60 में देखे थे पेंटागन 12 होता है, हेक्सागन 20 होता है, तो पेंटागन पूछ रहा है C60 में 12 हो जाएगा, एंड ट्राइगॉन्स इन व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस में कुल 4 ट्रायंगल हो जाएंगे, ये व्हाइट फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है, है ना, P4 के फॉर्म में पाया जाता है। आप जानते हो फास्फोरस के पास 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, हर एक फास्फोरस P4 में 3-3 बॉन्ड बना रहा है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे समझें, मैं थोड़ा सा हवा में चीज़ों को समझा रहा हूँ, है ना, P4 पहले आप 3 फास्फोरस इमेजिन करें, एक फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस, तीसरा फास्फोरस, ये फास्फोरस इसके साथ बॉन्डेड है, ये इसके साथ बॉन्डेड है, ये इसके साथ बॉन्डेड है, तो एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पर, तीनों वर्टेक्स पर एक एक फास्फोरस, और इस ट्रायंगल के सेंटर से ऊपर उठे ये है ना चौथा फास्फोरस, ये फास्फोरस इस इन तीनों के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, तो हर एक फास्फोरस 3-3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखें ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एक तो ये बेस ट्रायंगल हो गया जहाँ 3 फास्फोरस है ये,
और ये जो ऊपर वाला फास्फोरस है, इन दोनों से मिलाओगे तो एक ट्रायंगल आएगा, इन दोनों से मिलाओगे दूसरा ट्रायंगल आएगा, इन तीनों से मिलाओगे, इन दोनों से मिलाओगे ये तीसरा ट्रायंगल आएगा। तो तीन ट्रायंगल ऊपर हो गया और एक ट्रायंगल बेस ट्रायंगल, चार ट्रायंगुलर फेस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा पेंटागन 12 एंड ट्राइगन 4, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्डस्पार, जियोलाइट, माइका एंड एस्बेस्टस, ये सारे ही सिलिकेट्स हैं, 2D या 3D सिलिकेट्स, ठीक है। और सिलिकेट्स का बेसिक यूनिट होता है ऑर्थो सिलिकेट, SiO4 4-, ठीक है। ये सारे ही है ना, चाहे आप 2D सिलिकेट ले लें, 3D सिलिकेट ले लें, ठीक है, या चेन सिलिकेट ले लें, हर एक तरह के सिलिकेट का जो बेसिक यूनिट होता है वो SiO4 4- ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज ऑक्सीडाइज विथ सोडियम पेरोक्साइड फॉलोड बाय बॉइलिंग विथ HNO3, द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विथ अमोनियम मॉलिब्डेट टू यील्ड अ येलो प्रेसिपिटेट। यानी अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट हो गया जी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेड टू एटम का टेस्ट किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि फास्फोरस प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट फास्फोरस को ऑक्सीडाइज कर लिया जाता है बाय यूजिंग एसिड एंड सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4 का भी यूज करते हैं, यहाँ यूज कर रहा है सोडियम पेरोक्साइड और HNO3 का, ठीक है, और फिर अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन करवाएगा तो अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट बन जाएगा। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इज फॉस्फोरस। फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ट्राइसिलाइल एमीन इज पिरामिडल एंड मोर बेसिक देन ट्राइमिथाइल एमीन। नहीं, ट्राइसिलाइल एमीन इज प्लानर। सेकेंड ऑप्शन देखें, ट्राइसिलाइल एमीन इज पिरामिडल न। थर्ड ऑप्शन, ट्राइसिलाइल एमीन इज प्लानर एंड मोर बेसिक देन, नहीं लेस बेसिक होगा, ट्राइसिलाइल एमीन इज प्लानर एंड लेस बेसिक देन ट्राइमिथाइल एमीन, फोर्थ हो जाएगा। एक्चुअली देखो, ट्राइसिलाइल एमीन में नाइट्रोजन पर जो एक लोन पेयर देख रहे हो वो सिलिकन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ इस लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये बैक बॉन्ड हो जाएगा, ये बैक बॉन्ड 2P π 3D π बैक बॉन्ड होगा। इस बैक बॉन्डिंग की वजह से ये स्ट्रांग बैक बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है SP2, और नाइट्रोजन के अराउंड ट्राइगोनल प्लैनर अरेंजमेंट हो जाता है, और चूंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट कर गया बॉन्ड फॉर्मेशन में इसलिए बेसिक करेक्टर इसका घट जाता है। जबकि ट्राइमिथाइलमीन में मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल में कार्बन पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, तो ट्राइमिथाइलमीन पिरामिडल शेप रह जाता है, ट्राइमिथाइलमीन का ये शेप है। ट्राइमिथाइलमीन का ये शेप है, ये पिरामिडल शेप है, और नाइट्रोजन पर जो प्रेजेंट लोन पेयर है वह बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, क्योंकि कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, चार ही वैलेंसी ऑर्बिटल, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है और 1 नाइट्रोजन के साथ, 3 × 4 चारों ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो बैक बॉन्डिंग है ना, और चूंकि लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ बैक बॉन्ड नहीं बना है, इसलिए ये मोर बेसिक है, जबकि इसका लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है, बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, इसलिए ये लेस बेसिक है। फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन। चारों ही ऑप्शन एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, डायमंड में है ना, हर एक कार्बन अपने नेबर के 4 कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, है ना, तो यहां सीसी बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन अपने पास के पड़ोस के 3 कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड
सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि चौथा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसका पाई बॉन्ड बनाता है और ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाता है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कार्बन का एक से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही C60, C70 ये फ्लोरीन्स हैं और इन फ्लोरीन्स में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इन तीनों में ही कम होगा। डायमंड में सीसी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ सीसी बॉन्ड लेंथ, सीसी बॉन्ड ऑर्डर केवल वन है, जबकि C60, C70 और ग्रेफाइट में सीसी बॉन्ड ऑर्डर मोर देन वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली NaOH प्लस Cl2। NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया है तो यहां प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl प्लस NaClO3 और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें Cl2 पास करवाएगा, ठीक है, Cl2 पास करवाएगा तो Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है। तो ए तो हो जाएगा NaClO3 और बी हो जाएगा CaOCl2, CaOCl की होल ट्वाइस, है ना। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, मैं पूरा ही रिएक्शन लिख देता हूँ। NaOH अभी हमने लिखा भी था, NaOH प्लस Cl2, NaOH कंसंट्रेटेड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड लिया है तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के देगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O, जबकि CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, ये सिलेक्ट लाइम के साथ Cl2 का रिएक्शन करवा रहा है तो ये देगा CaCl2 प्लस CaOCl की होल ट्वाइस प्लस H2। ओके, तो NaClO3 एंड CaOCl होल ट्वाइस ये फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। The number of bonds between sulfur and oxygen atom in peroxy disulfate ion and the number of bonds between sulfur and sulfur atoms in rhombic sulfur respectively are. Okay. Peroxy disulfate ion में sulfur और oxygen atoms के बीच number of bonds पूछा है और साथ ही साथ rhombic sulfur में sulfur sulfur के बीच bond पूछा है, sulfur sulfur atoms के बीच bond. तो दोनों का स्ट्रक्चर देख लें, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पता चल जाएगा। पेरोक्सी डाइसल्फेट आयन ये पेरोक्सी डाइसल्फेट आयन का स्ट्रक्चर है, दो सल्फर हो गए, ऑक्सीजन 3, 3, 6, 2, 8 हो गया, ये पेरोक्सी बॉन्ड है, ओ बॉन्ड है ना। अपने से पूछ गया रहा है सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड्स, तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड देखे 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर S8 का स्ट्रक्चर देख लो, एसेट का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ SS बॉन्ड पूछा है, हर एक सल्फर एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, 8 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉन्ड है तो यहाँ भी 8, तो दोनों में 8, 8, 8 and 8 सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। White phosphorus on reaction with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2 gives phosphine and compound X. On acidification with HCl gives compound Y. The basicity of compound Y is. Okay. White phosphorus का reaction जब आप NaOH के साथ करवाते हो, concentrated NaOH के साथ, water भी participate करता है reaction में, है ना? NaOH concentrated है तो फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के ये देता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट NaH2PO2 प्लस फॉस्फीन गैस।
क्वेश्चन को पढ़ें, कह रहा है व्हाइट फास्फोरस ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एनएच सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 गिव्स फॉस्फिन एंड कंपाउंड एक्स। तो कंपाउंड एक्स हो गया सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, फॉस्फिन एंड कंपाउंड एक्स यानी सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। नेक्स्ट कह रहा है कंपाउंड एक्स ऑन एसिडिफिकेशन विथ HCl, HCl के साथ इसको एसिडिफाई करोगे, ठीक है, तो ये दे देगा NaCl प्लस H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड गिव्स कंपाउंड ऑन एसिडिफिकेशन विथ HCl गिव्स कंपाउंड Y, द बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड Y, बेसिसिटी पूछ रहा है Y का, यानी Y एसिड है, Y एसिड है H3PO2, ये Y और इसकी बेसिसिटी 1 होती है क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, बाकी दो हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ बॉन्डेड है, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है रिएक्शन ऑफ H3N3 B3Cl3 विथ LiBH4, है ना, देख लें H3N3 B3Cl3, इसको कह रहा है कंपाउंड ए विथ LiBH4 रिएक्शन करवा रहा है लिथियम बोरोहाइड्राइड के साथ, गिव्स इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको कह रहा है कंपाउंड बी। फर्दर द रिएक्शन ऑफ ए विथ सी लीड्स टू, ए का रिएक्शन जब सी के साथ करवाता है, सी लीड्स टू H3N3B3ME3 कंपाउंड्स बी एंड सी आर रेस्पेक्टिवली, ओके, ये दे रहा है H3N3B3ME3, ओके, यानी ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा CH3MgBr, CH3MgX है ना, MgX में MgBr हो सकता है, ऑप्शन में Br दिया हुआ है तो Br कर दो, ठीक है। तो कंपाउंड बी एंड सी पूछ रहा है, कंपाउंड बी इज बोराजीन, ठीक है, इस इनऑर्गेनिक बेंजीन को बोराजीन भी कहते हैं, बोराजीन कहते हैं या बोराजोल कहते हैं या बेंजीन की तरह स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। तो इनऑर्गेनिक बेंजीन और ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, बोराजीन एंड मिथाइल ब्रोमाइड ना बोरोन नाइट्राइड एंड बोराजीन एंड मिथाइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड, थर्ड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है क्लोरीन रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH एंड प्रोड्यूस कंपाउंड एक्स। फिर क्लोरीन का रिएक्शन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैलोजन का कंसंट्रेटेड एंड हॉट NaOH के साथ रिएक्शन एंड कोल्ड एंड डायल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहा है क्लोरीन का, तो क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट होगा क्लोराइड एंड क्लोरेट में, प्रोड्यूस कंपाउंड एक्स एंड वाई, कंपाउंड एक्स गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी एक्स तो क्लोराइड हो गया विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम इन वाई, तो क्लोरेट में क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, कैलकुलेट कर लो, सिक्वेंशियली सॉल्व कर दें, करा क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहा है NaOH, NaOH है हॉट एंड कंसंट्रेटेड, ओके, ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2। अब इसमें एक कंपाउंड को X कह रहा है और दूसरे को Y कह रहा है, कह रहा है कंपाउंड X गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल, तो ये X हो गया क्योंकि ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा AgCl का, व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो ये कंपाउंड क्लोरीन का दूसरा जो डिस्प्रोपोर्शनेटेड प्रोडक्ट है ये Y हो जाएगा,
द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम इन वाई, तो वाई में क्लोरेट आयन है, ठीक है, इसमें क्लोरेट आयन है Cl(O)-, Cl(O)-, में क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, तो क्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर देख लो, क्लोरेट आयन का ये स्ट्रक्चर, है ना, तो यहाँ Clo बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लो, Clo बॉन्ड ऑर्डर एक सिग्मा बॉन्ड है ही प्लस दो पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड ओवर थ्री सिस्टम, तो 1+2/3 यानी ये हो जाएगा 1.66, ठीक है, 5/3 आंसर आ रहा है यानी 1.66, ओके। तो ये पी ब्लॉक में पूछे गए सारे क्वेश्चन 2019 और 20 के जेई मेन में इनका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी, ओके, थैंक यू।